क्षमता की जी बताइए, आपने सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा है देश के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की लाइनें तो अक्सर कांग्रेस वालों को जो है, मैं तो बोल रहा हूँ, बोलनी ही चाहिए। हो सकता है कि उससे ही मन परिवर्तित हो जाए, धीरे धीरे सबका हो ही रहा है तो अच्छी बात है। सुरेंद्र जी उसमें एक और सही। जहां तक बात इन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप, उनका काम है पैसे कमाने का और आपका काम है सिर्फ नारे लगाने का। 2013-14 में पर कैपिटा इनकम 72,805 थी, अगर वो बढ़कर 98,734 हुआ, विच इज 35% का हाइक, तो जाहिर है जनता की जेब में पैसा गया है। अगर हम फ्रजाइल 5 से टॉप 5 में आए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आए हैं, तो जाहिर है जनता के उसमें पैसा गया है। अगर हम ऑटोमोबाइल में 5वें नंबर पर आए हैं, तो जाहिर है जनता की जेब में पैसा गया है। लेकिन विषय यह नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है सुरेंद्र जी में है, लेकिन राहुल गांधी में नहीं है। वो विषय परेशानी का, दिक्कत उस बात से है। वो कहते हैं कि वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, प्रियंका चोपड़ा नाच रही है, कौन लिख रहा है भाई ये भाषण? आप मुझे एक चीज बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम कब हुआ? आप मुझे एक चीज बताइए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं, इतनी नफरत क्यों है? मुझे तो लगता है संबल से, जहां तक अगर मैं ठीक हूं, तो शफीक उर रहमान बर्क का शायद वो लोकसभा क्षेत्र लगता है, वही सांसद है ना वहां से, अगर उन्होंने कोई मुशायरा कर दिया होता तो अभी सारे के सारे पहुंच जाते वहीं दुआ पढ़ने। मतलब कल की धाम में इन्हीं के नेता, अभी 2-4 दिन पहले ही तो अलग किया भाई उनको, अगर इनके नेता वहां पर उन्होंने कल की धाम का जो है शिलान्यास किया, पहुंच जाते भाई। इतना क्या परेशानी है, नफरत की जरूरत नहीं है। देश सिर्फ नारों से नहीं, देश हर तरीके से, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर और डिफेंस के स्तर पर, हर स्तर पर बढ़ रहा है। लेकिन आपकी आंखों और आपकी कानों में अगर कुछ चुभ रहा है तो वो भारत माता की जय, आपके कानों में अगर कुछ चुभ रहा है तो वो जय श्री राम, आपके कानों में और आंखों में अगर कुछ चुभ रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो भव्य मंदिर, क्योंकि उसके तो हमेशा विरोध में रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इन चीजों को बोल रहे हैं, ये देश देख रहा है, आगे भी देखता रहेगा। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि सुरेंद्र जी खुद उनकी स्पीच लिख दे तो शायद ज्यादा क्लैरिटी होगी। अच्छा मुझे बताइए कि ये सुरेंद्र भाई राम जन्मभूमि के फंक्शन में, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में, ये राहुल जी को ऐश्वर्या जी कहां से दिख गई, ऐश्वर्या राय जी, ये भी जानना चाहता हूं। और उन्होंने एक और बात कही कि मजदूरों को देखा आपने, किसानों को देखा आपने, अरे भाई मजदूर जो हमारे श्रमवीर थे वहां पर, उनका तो प्रधानमंत्री ने स्वागत किया बकायदा, वो सब बैठे हुए थे, फ्रेम में दिखाई दे रहे थे और उन पर तो फुल वर्षा हुई। तो राहुल जी फैक्ट्स लाते कहां से? दो तीन चीजें हैं, अगर उनके मुंह से कभी कभी जैसे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि मेरे को 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया, अगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि वो नारियल का जूस पीते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी के मुंह से फिर पता नहीं, मैं आपको 50 बातें कहूंगा आपको खराब लगेगी। नारियल में जूस नहीं होता, नारियल का पानी होता है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, नारियल का जूस प्रधानमंत्री जी ने कहा था सर, आप उनको समझाइए ना जाके, अगर आप उनके ट्यूटर बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धन्यवाद आपका, मेरी नौकरी अच्छी चल रही सुरेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, और प्रधानमंत्री को सिखाएंगे और अच्छी चलने लगेगी। मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर इसी तरीके से कंगना रानावत की जगह पे ऐश्वर्या निकल गई तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया, मैं प्रधानमंत्री जी के आपको 500 चीजें गिनाऊं क्या? ये सब हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, अभी शिवम जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, धन्यवाद है शिवम जी, आपने कहा कि देश में पर कैपिटल इनकम 2014 से और आज में 35% की बढ़ोतरी हुई, खुद ही व्यापार करते हैं, 10 साल में तो बैंक में रखा हुआ धन जो है वो 4 गुना हो जाता है, पहले 5 साल में 2 गुना और उसी 2 गुने को 4 गुना। आज की डेट में आपको लगा दिया भैया इनकम जो है कौन से बैंक में होता है, हमें भी बता दो भैया वो बैंक। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, 5 साल में डबल कर रहे हैं बैंक में, बताइए। रुक जाओ। मैं तो स्टूडियो बैठा हूँ, मुझे थोड़ी ना भागना है, आप देखिए। लेकिन बताइए और सुनिए हाँ सुनिए ना, उसके बाद अगर आपके राज में 10 साल में पर कैपिटल इनकम सिर्फ 2 गुनी भी नहीं हुई, सिर्फ 35% हुई है, तो ये तो आपके मुद्रा के अवमूल्यन के बराबर हुई है सर। ठीक है, और आज आपकी पर कैपिटल इनकम, हमारी पर कैपिटल इनकम पूरी दुनिया में पर कैपिटल इनकम देश की 142वें नंबर पर है शिवम त्यागी साहब, वो कहां पर? यहाँ पर अर्थ, सुरेंद्र भाई मेरे पास 2 मिनट बचे हैं और इसीलिए मैं शिवम त्यागी से पूछ रहा हूँ और सुरेंद्र राजपूत से पूछ रहा हूँ, एक कॉमन सवाल पूछता हूँ शिवम त्यागी,
क्या आप धर्म के नाम पर भटकाते रहेंगे 2024 के चुनाव में? और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आप पर आऊंगा, लेकिन शिवम आप सबसे पहले आप 60 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर ना कोई भटक रहा है ना कोई भटकाया जा रहा है। मुझे लगता है धर्म आस्था का विषय है, और इस देश में जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद, और चाहे फिर वो आबूधाबी में मंदिर रहा हो और चाहे फिर आज कल्कि धाम में, मैं मानता हूँ अगर लोगों की आस्था है और इस देश में 100 करोड़ लोगों का विश्वास है तो उनको इस तरीके से इस पर गाली नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी को लेकर कहा सुरेंद्र जी ने कि उनकी जबान फसल गई, चलिए माना तो सही कि गलती हुई है, लेकिन जबान कैसे फिसली? चलिए ठीक है जी, कंगना जी को छोड़कर ऐश्वर्या जी कर दिया उन्होंने एक बात, कहते वहां पर कोई आपको गरीब आदमी दिखा क्या, वहां पर कोई दलित पिछड़ा दिखा क्या? मां तो मुझे लगता है किसी से किसी की जाति पूछी ही नहीं गई होगी, वहां जो एंट्री कार्ड से उस पर किसी की जाति नहीं पूछी गई, भाई आज भी किसी की जाति नहीं पूछ रहे, उस पर भी आपकी जबान फिसल गई। हर जगह दिन रात जब जबान फिसलवाओगे और जिस तरीके से देश में आपके हालात हो गए, आने वाले समय में पार्टी ना फिसल जाए पूरी की पूरी खड्डे में। मैं फिर यही कहता हूं कि यह जबान नहीं फिसली है, आए दिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर सनातन पर हमला हो रहा है, जिस तरीके से सनातन को मानने वालों को पार्टी में से चुन चुन कर बाहर फेंका जा रहा है, आने वाले समय में इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, और ये जानबूझकर टारगेटेड किया जा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सीधे, आजकल राहुल जी के साथ सब वामपंथी उनके मित्र दिखाई देते हैं, वो मेरे पुराने सहयोगी वो योगेंद्र यादव जी भी दिखाई देते हैं, इन सब लोगों का मानना है कि धर्म तो अफीम है, पॉलिटिक्स मतलब रिलीजियन इज ओपियम, ये मानते हैं वामपंथी, क्या आप भी यही मानते हैं? देखो दीपक चौरसिया जी, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन आपसे कहा पूछने के लिए, मैंने कहा चंडीगढ़ बुलवा दीजिए उनकी ठनठन गोपाल सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट, अब आप मेरे बीच में तो आपको क्या नाम हो जाती है, लेकिन आप बाकियों के बीच में तो नहीं बोलते, क्या हो जाती है? जबान फिसल गई इनकी भी, मुझे लग रहा है, मैंने बता दिया ना, कुछ चीजें इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। आपको मैं बताऊं दीपक भाई, मैंने कहा कि आज की डेट में नारों के नाम पर विषयांतर किया जा रहा है, चंडीगढ़ चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की उस पर कोई जवाब नहीं। आपके सामने मैंने बताया कि जिस तरीके से, और मैंने क्वेश्चन की भाई 80 लाख जो बच्चे थे एक जॉब पर 80,000 की लोगों ने बेरोजगारों उनके पर्चे खारिज हो रहे हैं, उनके पर्चे निकल रहे हैं, उनके पर्चे खुल रहे हैं, उन पर कोई जवाब नहीं। आज की डेट में जिस तरीके से धार्मिक रूप से आप नारे लगा करके आप विषयांतर कर रहे हैं देश की महंगाई की समस्या से, अग्निवीर की समस्या से जिसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, मणिपुर से जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है, साक्षी मलिक से जिस तरीके से ब्रजभूषण को पेट्रोल मणिपुर पर तो आप भाग गए थे, सारे मुद्दों से आप नारों से लगाते रहिए, आने वाले समय में याद रखिएगा, 2 घंटे याद रखिएगा, आने वाले समय में याद रखिएगा, इन सारी चीजों का जवाब आप वहां पर रोक भी नहीं पाए, चौरसिया से मांगा जाएगा और घर आकर आपको जवाब देना पड़ेगा कि जवाब दे रहे हैं जनता को, जनता तभी बारंबार तुम कर ला रही है, जनता को मूर्ख मत समझिए, नेता हो सकते हैं, नेता आपके हो सकते हैं, जनता को मूर्ख मत समझिए, जनता देखकर समझकर परखकर ही वोट देती है जी, चलिए परखकर ही वोट देती है। सुरेंद्र भाई शिवम मेरे पास वक्त इतना ही है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो जनता को मूर्ख समझ रही है, नहीं नहीं आप समझ रहे हैं जनता को मूर्ख, भाई रोजाना आपको हराकर घर पर भेजते हैं, फिर वापस आपको ही आकर कहना चालू कर समझ रहे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर जब आप जनता के बीच में गए, आप हार कर आए, पूरा राज्यों में बुरा हाल आपका हो गया, आपको बताइए ना कहां है आप, भागने की लोग आपसे जुड़ नहीं रही, संगठन आपका छोड़कर भाग रहा है, नेता आपको छोड़कर भाग रहा है। चलिए मैं यहीं पे रुकूंगा, आप सुरेंद्र भाई शिवम त्यागी जी मुझे यही रुकना पड़ेगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। Zee News.